हाय गाइस, वेलकम बैक टू रिदम माहिवे। आज मैं आपके लिए पम्पकिन खीर की रेसिपी लेके आई हूँ, जो बच्चों को काफ़ी पसंद होता है और इसके बेनिफिट्स भी बहुत सारे हैं। कद्दू में बहुत से न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जो बच्चों के ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। इसे खिलाने से उनके आई साइट के साथ साथ उनका इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होता है। तो आइए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। यहाँ पर मैंने 2 स्लाइसेस कद्दू के लिए हैं, आधा ग्लास दूध लिया है, 1 चम्मच घी लिया है, 1 चम्मच ड्राई फ्रूट पाउडर लिया है, 1 चम्मच चीनी लिया है और थोड़ा सा इलायची पाउडर लिया है। इलायची पाउडर टोटली ऑप्शनल है। सबसे पहले हम कद्दू को इस तरीके से ग्रेट कर लेंगे। उसके बाद गैस पे हम एक पैन रखेंगे और गर्म होने के बाद उसमें 1 चम्मच घी ऐड करेंगे। अब हम इसमें कद्दू को डालेंगे और अच्छी तरीके से मिला लेंगे। ये सारा प्रोसेस हमें मीडियम फ्लेम पे ही करना है। अब हम इसे कवर कर देंगे और बीच बीच में चलाते हुए पकाएंगे, जब तक कि ये पूरी तरीके से सॉफ्ट ना हो जाए। नॉर्मली बच्चे कद्दू खाना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन इस तरीके से आप देंगे तो उन्हें जरूर पसंद आएगा। यहाँ पे हमारा कद्दू अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसमें आधा ग्लास दूध ऐड कर देंगे। इसे अच्छे तरीके से मिला के हम कवर कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे, जब तक कि ये गाढ़ा ना हो जाए। बीच बीच में हम इसे चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे से पकड़ ना ले। अब ये हल्का गाढ़ा होने लगा है, इसमें 1 चम्मच चीनी डालेंगे और अच्छी तरीके से मिला के और 5 मिनट के लिए पकाएंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच ड्राई फ्रूट पाउडर डालेंगे और थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल के अच्छी तरीके से मिला लेंगे। ये देखिए, हमारा खीर यहाँ पे अच्छी तरीके से बनके अब तैयार हो गया है।